हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का इस वीडियो होने वाला है हेडलाइट रिस्टोरेशन के ऊपर। कभी कभी क्या होता है, हम लोग का हेडलाइट जो होता है टाइम टू टाइम फेड हो जाता है, क्योंकि वो ग्लास से मटेरियल है और रात को हेडलाइट से हीट होता है, फिर वापस से ठंडा होता है, हीट होता है, ठंडा होता है, तो उसकी वजह से उसका एजिंग भी हो जाता है। तो जैसे ही टाइम जाता है वैसे ही धूप के वजह से या फिर बारिश के वजह से उसका लाइट फेड होने लगता है, स्क्रैचेस आने लगते हैं थोड़े थोड़े, फिर उसके बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। हम लोग ऐसा बार बार हेडलाइट चेंज नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, रिस्टोर करने वाले हैं। रिस्टोर से क्या होगा कि उसका जो पुराना फिनिश है, उसका कलर है, उसको वापस से लेकर आएंगे। तो वो मेरी गाड़ी पे नहीं करने वाला हूँ मैं, मेरा NS, मेरा एक्टिवा या फिर मेरा जेन, तीनों का जो हेडलाइट्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा नहीं है। मैंने अपने दोस्त से एक हीरो होंडा पैशन बोरो किया हुआ है, उसका हेडलाइट्स एकदम येलो हो चुका है, एकदम फेड हो चुका है, मतलब उसका जो लाइट हम लोग जब रात को यूज़ करते हैं तो ज़रा सा भी नहीं दिखता है। तो हम लोग उसको रिस्टोर करने वाले हैं। रिस्टोर के भी हेडलाइट्स में स्क्रैचेस आ गए हो या फिर फेड हो गया हो तो आप ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। हम लोग ये वाला जो DIY रेस्टोरेशन किट यूज़ करने वाले, ये किट के अंदर बहुत सारा सामान है, मतलब 3-4 सामान है जिससे आप अपने हेडलाइट का चमक को वापस लेकर आ सकते हो, वो भी अपने बाइक में। तो ये जो अभी वीडियो होने वाला है वो स्कूटर्स के लिए भी होने वाला है, कार्स के लिए भी होने वाला है। कार का विंडशील्ड फेड हो गया हो, कार का हेडलाइट फेड हो गया हो या फिर मोटरसाइकिल का साइड लाइट फेड हो गया हो, कुछ भी फेड हो गया, जो भी ग्लास होगा कि जहाँ पे भी ग्लास होगा फेड हो गया हो, आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो उसको। ये वाला जो DIY रेस्टोरेशन किट है वो लॉक बॉन्ड्सो कंपनी का है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, आप पढ़ सकते हो। अभी हम लोग इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने के बाद आपको इसमें सबसे पहले मिल जाता है सैंड पेपर्स। तो ये अलग अलग ग्रिड के सैंड पेपर्स है। पहला ग्रिड आपको है 1200 ग्रिड के, फिर आपको एक 800 ग्रिड का एक सैंड पेपर मिल जाता है, उसके बाद आपको एक 2000 ग्रिड का सैंड पेपर मिल जाता है। ऐसे आपको दो सेट्स मिल जाते हैं, इसमें भी सेम सैंड पेपर है जो दिया हुआ है। तो कौन सा सैंड पेपर कौन से टाइम पे यूज़ करना है मैं आपको थोड़े टाइम में बता दूंगा। उसके बाद आपको ये मिल जाता है स्टेप 2 वाला पेस्ट, ये जो पेस्ट है ये पॉलिशिंग पेस्ट है। उसके बाद आपको एक स्टेप 3 UV प्रोटेक्शन लिक्विड मिल जाता है, तो UV प्रोटेक्शन लिक्विड एक लास्ट में हम लोग कोटिंग के हिसाब से यूज़ करने वाले। उसके बाद आपको ये टेप मिल जाता है ताकि आप इसको साइड में चिपका सको। उसके बाद आपको ये पॉलिशर ग्राइंडर मिल जाता है। अगर आपके पास ये पॉलिशिंग मशीन है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा मशीन दिया हुआ है, कि अगर आपके पास ये मशीन है तो आप इसमें लगा सकते हो, वो जो ग्राइंडर मशीन है उसमें ये आप लगा सकते हो। और इसमें वेलक्रो दिया हुआ है ताकि इसमें आप सैंड पेपर भी चिपका सको और ये स्पंज भी चिपका सकते हो। आपके पास अगर ये मशीन नहीं है तो आप एक होल्डर दिया हुआ है, इसमें होल्डर की मदद से आप यूज़ कर सकते हो इजीली। उसके बाद एक छोटा सा स्पंज मिल जाता है आपको क्लीनिंग करने के लिए। मैनुअल में सब लिखा हुआ है कि आपको कैसे स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 यूज़ करना है, बट ये मैनुअल को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये कैसे यूज़ करना है। तो गाइस इसको हम लोग सब साइड में रख देते हैं और जो हेडलाइट रिस्टोरेशन का प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देते हैं। हेडलाइट का पूरा हालत आप देख सकते हो कि एकदम गंदा हो चुका है। नया हेडलाइट कैसा दिखता है आपको तो पता ही होगा, और ये जूना देखो, यहाँ पे येलो कलर का मार्किंग्स आ गया है, येलो कलर का मार्किंग आ गया है, थोड़ा स्क्रैचेस आ गया है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 क्या है, इसको वाटर से हम लोग क्लीन करेंगे अच्छे से। तो इसे आपको पानी डाल के अच्छे से इसको क्लीन करना है सबसे पहले। जैसे कि आपने देखा इसको हम लोग ने वाटर से अच्छे से क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे येलो पैचेस है, यहाँ पे येलो पैचेस है, और फिर यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस भी देख सकते हो आप। शायद कैमरा में नहीं दिख रहा हो बट इसमें स्क्रैचेस है असली में। तो स्क्रब हम लोग जब भी करने वाले इस पर तो यहाँ पे ना लगे स्क्रब, इसके लिए हम लोग यहाँ पे मास्किंग टेप लगा रहे हैं इस पर। तो जो भी साइड साइड में बॉडी पार्ट्स है उसमें अच्छे से मास्किंग टेप लगा लो। मास्किंग टेप जो है, ये जो किट है, किट के अंदर ही आता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बाय करने की ज़रूरत नहीं है, किट में सब आपको रेडीली मिल जाता है, सिर्फ आपको अप्लाई करना है एकदम प्रॉपर वे में। सेकेंड पार्ट इसका ये है कि हम लोग ने 800 ग्रिड का सैंड पेपर लिया हुआ है, 800, 1200, फिर 2000, ये स्टेप में आपको जाना है कम से ज़्यादा में। तो 800 ग्रिड का जो सैंड पेपर है उसको हम लोग को वेलक्रो में स्टिक करना है। तो ये वेलक्रो में स्टिक हो चुका है, तो सैंडिंग करने के टाइम आपको इस पर पानी स्प्रिंकल कर, इसको आपको ऐसे होल्ड करना है। अगर आपके पास स्क्रबिंग मशीन नहीं है तो आपको इसको सिर्फ ऐसे होल्ड करना है और काम इजीली हो जाएगा। मशीन होगा तो आपका काम सिंपल हो जाएगा। इसमें थोड़ा वाटर ले लीजिए, तो इसको मैं स्क्रब कर रहा हूँ। तो स्क्रबिंग करते टाइम इस पे पानी डालते रहिए, तो आपको ये राउंड राउंड मूवमेंट में जो है स्क्रबिंग करना है। पे आप देख सकते हो ये 1200 ग्रिड का सैंड पेपर है, तो इसको मैं ये वेलक्रो में स्टिक कर देता हूँ। ओके, तो अभी ये 1200 ग्रिड का सैंड पेपर है। तो ये 2000 ग्रेड का सैंड पेपर है, तो 2000 ग्रेड का सैंड पेपर हमारा लास्ट सैंडिंग होगा, तो इसको एकदम प्रॉपरली कर देंगे।
सो गाइज आप देख सकते हो हम लोग ने सैंडिंग का जो भी पार्ट है वो कम्प्लीट कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम जो भी हम लोग का येलो कलर का पोर्शन था वो रिमूव हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टेप टू पेस्ट दिया हुआ है आप देख सकते हो, स्टेप टू पेस्ट इसमें लगाएंगे और ये स्पंज दिया हुआ है ऑरेंज कलर का, उसको अच्छे से रब करते रहेंगे जब तक ये पॉलिश नहीं हो जाता। सो गाइज ये आप देख सकते हो यहाँ पे ब्राउन कलर का पेस्ट है, ब्राउन कलर का पेस्ट आप देख सकते हो, इसको अच्छे से अप्लाई करना है आपको पूरे हेडलाइट पे। तो अभी इसको बफ करेंगे हम लोग। तो गाइस हम लोग ने इसको बफिंग किया हुआ है, तो बफिंग करने के लिए ज़्यादा आपको ताकत लगेगा क्योंकि हम लोग हैंड ग्राइंडर नहीं है। बफिंग वाला मशीन रहता तो फटाक से हो जाता, बट हैंड से भी आप कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा आपको बस, लेकिन हो जाएगा। तो हम लोग ने अच्छे से बफिंग कर दिया है। आपको इसको 200 बार घुमाना है, अगर आप हैंड से कर रहे हो तो 200 बार अच्छे से स्क्रबिंग करना है, 200-300 बार आप कर सकते हो जब भी तक। सो गाइस इसको बफिंग करने के बाद अच्छे से आपको इसको क्लीन करना है। जैसे कि आप इसका हेडलाइट देख पा रहे हो, पहले कैसा था और अभी कैसा था, अभी एकदम क्लीन दिख रहा है, अंदर तक आप देख तो सकते हो। तो अभी इसको अच्छे से क्लीन कर दिया हम लोग ने हेडलाइट का, आप देख सकते हो पहले कैसा येलो येलो मार्किंग्स आ गया था इसमें, और अभी एकदम प्रॉपरली क्लीन हो चुका है, मतलब हम लोग ने इसको अच्छे से रिस्टोर कर दिया है। तो अगर आपको चाहिए तो ये जो साइड लाइट्स आप देख रहे हो, इसका कलर देख सकते हो आप कैसा एकदम फेड हो चुका है, इसको भी आप कर सकते हो क्लीन, और ये वाले साइड लाइट को भी आप क्लीन कर सकते हो। अभी स्टेप 3 यूज़ करने वाला है जो है यूवी प्रोटेक्शन। तो गाइस अभी हम लोग इस पर यूवी प्रोटेक्शन लगाने वाले जो है इसका स्टेप 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप 3 यूवी प्रोडक्शन, तो ये एक व्हाइट स्पंज दिया हुआ है इन लोग ने, इससे हम लोग को यूवी प्रोडक्शन लगाने का, ताकि जो है वापस से सनलाइट से इसको हार्म ना हो। मेक श्योर कि जब भी आप इसका यूवी प्रोडक्शन लगा रहे हैं तो धूप इस पर डायरेक्ट सामने सामने आए, मतलब सनलाइट इसको डायरेक्ट टच ना हो। यूवी प्रोडक्शन लगाने के बाद 15 मिनट्स तक आपको इसको ड्राई देना है, 24 आवर्स तक इसको आपको हेडलाइट को वॉश नहीं करना है, तो मेक श्योर कि वो आपको ध्यान दे, वरना यूवी प्रोडक्शन निकल जाएगा इसका। जिसको हम लोग ने अभी लगा दिया, तो अभी इसको लगाने के बाद हम लोग 15 मिनट तक इसको सूखने देंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। बाद इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसा दिखता है अभी। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो ये हेडलाइट, ये जो हेडलाइट है पहला ऐसे दिखता था और अभी ये ऐसे दिखता है, तो आप फर्क तो पहचान ही सकते हो हेडलाइट कैसा है और वो हेडलाइट कैसा है। तो एक बार आपके तसल्ली के लिए मैं जूना वाला जो हेडलाइट का वीडियो है वो अभी प्ले कर देता हूँ। पुराना वाला हेडलाइट आपने देखा कि कितना ज़्यादा एकदम ख़राब दिख रहा था, और एक बार मैं आपको इसका फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। गाइस आप फोटो में देख ही सकते हो कि ये हेडलाइट कैसा है और ये हेडलाइट कैसा है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और आप देख सकते हो एकदम अच्छा खासा शाइन मार रहा है अभी, और ये हेडलाइट अच्छे से पूरा रिस्टोर हो चुका है। जैसे कि आपने देखा मेरा हेडलाइट रिस्टोरेशन का पार्ट, तो और एक छोटा सा समरी आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडलाइट को अच्छे से धोना है, उसके बाद उसको साइड से मास्किंग टेप लगाना है, उसके बाद 800 ग्रेड का सैंड पेपर यूज़ करना है, फिर 1200 ग्रेड का, उसके बाद 2000 ग्रेड का सैंड पेपर यूज़ करना है, उसके बाद जो पॉलिशिंग मटेरियल दिया है स्टेप टू वाला उसका जो पेस्ट है उसको आप लगा दीजिए, उसके बाद उसको अच्छा सा बफिंग कर दीजिए। आपको तब तक बफिंग करना है जब तक ये ग्लास है उसको अच्छा सा शाइन ना मिल जाए। यूवी प्रोटेक्टर लगाइए, 15 मिनट तक उसको सूखने दीजिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद आपका क्लीन हो जाएगा। उसके बाद 24 आवर्स तक आपको इसको पानी से टच नहीं करना है, जैसे ही पानी लगेगा वैसे ही वापस से ख़राब हो जाएगा, इसलिए इतना थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद आपका हेडलाइट पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बाय करना रहेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी तक आज के इस वीडियो के लिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। सो वही तक आज के इस वीडियो के लिए, आई विल बी एंडिंग अप माय वीडियो हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डू वॉच लव टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।